रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट्स का भविष्य भगवान भरोसे ही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यहां डॉक्टर ही नहीं मिल रहे। जानकर हैरत होगी कि 3 सालों में 70 डॉक्टरों के रिक्त पदों की तुलना में 18 डॉक्टर्स की ही भर्तियां हो पाई है, जबकि 17 डॉक्टर इस बीच इस्तीफा दे चुके हैं, यानी रिक्त पदों की स्थिति पहले की ही तरह है। इधर हाल ही में जिले के दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में डॉक्टरों के पद रिक्त होने से मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर अव्यवस्थाओं को लेकर भाजपा राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, तो वहीं भाजपा का यह कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है, मगर डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो नए भवन का क्या होगा। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्द ही भर्तियों को पूरा कर लिया जाएगा। आज 70 पद खाली हैं और 18 डॉक्टरों ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये सरकार ये कहती है कि हमने जो है 17 डॉक्टरों की नियुक्ति की है, जबकि जो 18 डॉक्टर छोड़ करके जा चुके हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करती है। हमें शासन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की ही जा रही है डॉक्टर से लेकर के नीचे तक की, और हमें अभी 3 दिन पहले ही एक नए आदेश जारी हुए हैं कि विद इन 15 डेज कुछ जो क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉई हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया कर एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर लेना है।